हे गाइस, वेलकम बैक टू स्विच चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फैंटास्टिक फैक्ट से एक अनदर वीडियो। लड़की के कान देखकर सिर पकड़ लोगे, मोस्ट बिजार मोमेंट्स एवर। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। मतलब यार आजकल तो ऐसा माहौल बन गया है अपने आसपास, जो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे अम्मा हो, चाहे दादी हो, चाहे ताऊ हो, चाहे ताया हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, वो ऐसे ऐसे हरकतें कभी ना कभी करने लगते हैं कि देख के भैया सोच में पड़ जाओ, कंफ्यूज हो जाए इंसान की, हंसे, तरस खाएं, डर लगे या क्या हो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस दुनिया में नमूने पड़े हुए हैं। तो चलो भाई आज किसी नमूनी को देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। बिजार मोमेंट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखी होती है, जिन्हें देखकर आप क्या था? कहेंगे कि ये वीडियो तो किसी भी नजरिए से नॉर्मल नहीं है। और कई बार ये घटनाएं लकीली कैमरे में रिकॉर्ड होकर के दुनिया के सामने आ जाती है, जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। और इसी तरह से आपको भी सोच में डालने के लिए फैंटास्टिक फैक्ट्स इंटरनेट से चुन चुन कर कुछ अनोखी वीडियोस आपके लिए लाया है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर ये स्ट्रीमर लाइव गेम खेलने के बाद अपने व्यूअर्स को बाय बोल कर जाने लगती है, और जैसे ही वो जाती है वैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसकी गुलामी करना शुरू कर देता है। मतलब पूरी तरह से गुलामी करना, उसके कंधे दबाता है, उसे खाने के लिए पिज्जा देता है, ये गुलामी हुई, उसकी केयर करना हुआ, ब्रा भी उतारता है। और ये मैडम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती हैं, लेकिन 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 थोड़ी देर में उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी स्ट्रीम को बंद नहीं करती हैं और ये सारी घटना इनके व्यूअर्स देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये मैडम शर्म से अपना मुंह छिपाने लगती है। ये घटना सच में बहुत ही वियर्ड है और इनका ये लाइव स्ट्रीम पूरी तरह ये से एक चीज जो थी वो एम्बैरेसिंग थी, बाकी तो मुझे कुछ भी ऐसा एम्बैरेसिंग नहीं लगा। आपको कोई बार बार डिस्टर्ब करे तो यकीनन आपको गुस्सा आएगा, और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था, जहाँ पर ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेड़ के नीचे खड़े थे और उससे बात कर रहे थे, लेकिन सामने मौजूद कार में बैठा बंदा उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था और हॉर्न पर हॉर्न मारे जा रहा था। लेकिन तभी उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बगल से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और कार की विंडशील्ड पर मारकर उसे तोड़ देता है। बहुत बढ़िया। जिसके बाद इस बंदे को ये तो बखूबी समझ में आ गया होगा कि किसी भी कपल को फर्जी उंगली नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें जो हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि कई बार देखने के बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली सामने खड़ी है और पीछे से दूसरी बिल्ली उसके ऊपर हमला कर देती है और दोनों बिल्लियां एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, लेकिन तभी उन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में एक तीसरी बिल्ली उन्हीं के बीच से निकलती है, जो वहां पर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस बिल्ली को किसी ने वहां पर टेलीपोर्ट किया हो। अगर आपको समझ में आ गया है कि तीसरी बिल्ली कहां से आई तो कमेंट में लाजमी बताएं। बिल्कुल नहीं समझ में आया यार। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर मगरमच्छ हो तो जाहिर सी बात है आप वहां से किसी भी कीमत पर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में मौजूद इन मोहतरमा को देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। ये मैडम रोड के किनारे खड़ी थी जहां पर सामने बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ में कई सारे मगरमच्छ भी आ गए थे और उनमें से कुछ मगरमच्छ इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ये मैडम अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालती है और वो है इनकी पैरों की चप्पल, जिसे ये उस मगरमच्छ को दिखाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि चप्पल से वो मगरमच्छ डर कर भाग भी जाता है, जो कि सच में सोच में डाल देने वाली बात है। लगता है ये मगरमच्छ भी अपनी मम्मी से बचपन में चप्पल से बहुत मार खाया है, तभी ये डर गया। ओ भाई, किसी भी काम को क्यों सही से करना चाहिए, इसका उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और सोच समझ कर काम करते तो यकीनन ऐसा ना होता। हाय राम, कितना। दोस्तों, कई बार जब पार्किंग में कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वीडियो में मौजूद इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही तगड़ा दिमाग लगा लिया, क्योंकि जब इसे कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिली तो वहां से पार्क वी एंड अप ड्राइविंग ऑन द साइड ऑफ द वाटर पार्क इन अ स्मॉल स्पॉट। कार के बल खड़ी कर देता है, जैसे कि अजय देवगन की पिक्चर देखकर आया हो। इससे भी ज्यादा फनी पार्ट तो ये है कि निकलने के लिए ये भाई साहब कार की डिग्गी तक रिंग कर जाते हैं और डिग्गी खोलकर बाहर निकलते हैं। सच में इस बंदे की अनोखी सोच के लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है। अबे यार,
ये वीडियो अनोखी होने के साथ साथ बहुत ही लवली भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का एक ग्रुप रोड पर डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और बगल में खड़ा एक कुत्ता ये सब कुछ देख रहा है। काफी देर तक वो कुत्ता उन लोगों को देखता है, और ये चीज देखकर वो लोग भी उस कुत्ते को अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हैं, उसके साथ भी डांस करने लगते हैं। उस कुत्ते को पकड़कर एक सर्कल बनाते हैं और साथ ही साथ सर्कल में डांस करते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो कुत्ता भी कितना ज्यादा खुश है। सच में कुछ लोग हर किसी को अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वीट वीडियो है यार ये जानवर। यहाँ पर ये डिलीवरी बॉय एक शॉप के बाहर से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद दो कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगते हैं और उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तभी वो डिलीवरी बॉय अपनी कराटे की स्किल दिखाता है और उन कुत्तों से कराटे करने लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस डिलीवरी बॉय की उटपटांग हरकतों को देखकर कुत्ते डर जाते हैं और तुरंत ही दुम दबाकर वहां से भागते हैं। ये मोमेंट जितना अजीब है उतना ही फनी भी है। स्वीट है, काफी फनी है, स्वीट है। इतने ज्यादा लकी होते हैं कि मौत उन्हें बस छू कर निकल जाती है, और ऐसा होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियो डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की कहीं जा रही है और वो दरवाजा खोलकर चुपचाप चली जाती है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके जाने के कुछ सेकंड के बाद ही वहाँ पर छत पर मौजूद सारी बर्फ नीचे गिरने लगती है, और बर्फ बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर वो लड़की कुछ सेकंड भी वहाँ पर खड़ी रहती तो यकीनन वो बर्फ के नीचे दब जाती, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बाल बच गई। फ्लोरिडा की एक महिला ने पुलिस में कंप्लेन किया कि उसने डायनासोर का एक बच्चा देखा है। कंप्लेन के दौरान सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और पुलिस वालों ने भी उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब उस महिला ने अपने बैकयार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस कैमरे में सच में एक डायनासोर के छोटे से बच्चे को भागते हुए देखा जा सकता है, जिसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये रोबोटिक डायनासोर है या फिर कोई टॉय। आप खुद ही इस वीडियो को देखिए और आपको यकीन भी हो जाएगा कि ये एकदम रियल डायनासोर है, जो इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में डायनासोर भाई क्या है, ये जिंदा है कि नहीं। आपको क्या लगता है, ये डायनासोर था या फिर कोई और जीव? कमेंट में बताएं। आई थिंक कोई और होगा, कोई और सा जीव होगा। अगर आप किसी के लिए सरप्राइज तैयार करें और कोई उसे पहले ही बर्बाद कर दे तो यकीनन गुस्सा आ जाता है। जिसके लिए सभी लोग एक एक बलून अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन किनारे मौजूद ये भाई साहब शैंपेन की बोतल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि उस बोतल के अंदर से ड्रिंक निकलेगी, लेकिन असल में वो एक पार्टी पॉपर होता है, और ये भाई साहब सरप्राइज से पहले ही उस पार्टी पॉपर को चला देते हैं, जिसके बाद सभी की गुस्से भरी शक्ल देखी जा सकती है। ये बात तो पक्की है कि अगली बार से कभी भी किसी भी सरप्राइज में इन भाई साहब को तो नहीं बुलाया जाएगा। अब देखिए चोरी के इस अनोखे तरीके को, जिसमें ये औरत अपनी कार को साइड में रोकती है और एक दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है, जैसे कि वो घर के अंदर जाना चाहती हो, लेकिन तभी वो घर के साइड में रखे पार्सल को उठाती है और वहाँ से 9:11 हो जाती है। लेकिन इस बेवकूफ चोरनी को ये नहीं पता था कि डोरबेल पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें उसकी शक्ल को साफ देखा जा सकता है, और इसी कारण ये पकड़ी भी गई। लेकिन पकड़े जाने से ज्यादा शर्मनाक इस वीडियो का इंटरनेट पर वायरल होना था, क्योंकि लाखों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद यकीनन ये मोहतरमा कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बची होगी। कई बार एक छोटी सी गलती की वजह से तगड़ा नुकसान हो जाता है। ओ भाई, क्या कैच पकड़ा है यार उस भाई ने। लेकिन जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर हाई टेंशन वायर होती है, और छाते के नीचे गिरते ही बेहद जोरदार धमाका होता है और पूरे इलाके की बिजली कट जाती है। जाते जाते इस वीडियो पर भी जरा गौर फरमाइए, जिसमें ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में पकड़ी गई, वो भी स्कूल ड्रेस में। मतलब ये लड़की स्कूल का गोला मारकर यहाँ आई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब इस लड़की के घर पर बताने की धमकी दी गई तो उसने बोला कि बता दो, मेरे पापा को सब पता है। और साथ में जो लड़का था उसका एटीट्यूड तो देखने वाला था, क्योंकि वो बंदा डरने के बजाय अपने दोस्तों को फोन मिला रहा है और सबको मारने की धमकी दे रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि इन गांव वालों ने इस लड़के और लड़की के घर पर बताया कि नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये वीडियो जरूर इनके घर तक पहुंच गई होगी। आगे तो भगवान ही इनका मालिक है। हद है यार।
दोस्तों ये थे आपके सामने कैमरे में रिकॉर्ड कुछ वियर्ड और अनबिलीवेबल मोमेंट्स। ये वाला बहुत जबरदस्त लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद है ना, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हमारे पास इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा है कि हमारा दिल नहीं लगा तो हम आसमान की तरफ कर इधर का तारा निकालते इधर लालते, इधर का तारा निकालते इधर लालते। कितना बड़ा बास है। ओ भाई, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड यार इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो फनी थे, कुछ ऐसे थे जो गुस्सा दिलाने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो बेहद ही अजीब थे, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था आंखों पर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। और भाई मतलब एक तो दो वो ऐसे थे, एक तो वो बिल्ली वाला, एक तो वो डायनासोर वाला, कि मतलब क्या था वो, एकदम से कैसे वो तीसरी बिल्ली वहां कैसे प्रकट हो गई कुछ पता ही नहीं चला। मतलब कहीं से वो आते हुए भी नहीं दिखाई दी कि उस दूसरी वाली बिल्ली के साइड से आती हुई दिखाई दे रही हो, है ना। ऐसा लगा जैसे अमीबा नहीं होता है, अमीबा शायद आप लोग जानते होंगे, अमीबा जो होता है वो अगर उसे बीच से कट करो तो वो दो सेपरेट अमीबा बन जाते हैं, वैसे वो बिल्ली थी कि झपट्टा मारा उसने और वो दो अलग अलग बिल्लियां बन गई। भाई क्या ही था ये, क्या क्या वीडियो था। और वो डायनासोर वाला भी मतलब शेप बिल्कुल ऐसा था जैसे डायनासोर का होता है बच्चा, वो डायनासोर का बच्चा लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ वाइट कलर की शील्ड टाइप की कुछ लगी हुई थी। आई डोंट नो यार ये मतलब, क्योंकि हमसे ना साइंस के ऐसे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। क्या पता मतलब कोई साइंटिस्ट हो, पागल साइंटिस्ट हो, ये अपनी इमेजिनेशन में बता रही हूँ, इमेजिनेशन है मेरी, कि कोई साइंटिस्ट हो मतलब जो डायनासोर के अंडों पर काम कर रहा हो और ऐसा कुछ हो गया हो, है ना। मिरकल मिरकल बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो भैया वो हमारे लिए अच्छी बात भी है और एक खतरे वाली बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि हमारे बीच एक नई प्रजाति और आई, और खतरे वाली बात यह है कि वो डायनासोर है, कोई चूहे का बच्चा नहीं है, है ना। सो और काफी यार अलग अलग टाइप की वीडियोस थी इसमें, ठीक है। जो एक लास्ट वाली वो लड़का लड़की वाली दिखी, वो पहले भी मैं देख चुकी हूँ किसी और वीडियो में, मैंने देखी है। और भाई साहब क्या लड़की ये इतने धड़ल्ले से बोलती है कि हाँ बता दो मेरे पापा को तो पता है। बेटा तुम्हारे पापा को पता है, लेकिन उसके बाद होगा क्या ये जरा सोचा है तुमने, कि मतलब अगर उन्होंने चलो परमिशन दे भी दी हो, ठीक है, उन्होंने चलो परमिशन तुम्हें दे भी दी हो ये लव वगैरह और अफेयर के लिए और मतलब लव मैरिज के लिए, ठीक है, उसके लिए परमिशन तुम्हें दे भी दी हो, लेकिन लोगों के बीच ऐसे इस टाइप से करने के लिए तो परमिशन नहीं दी होगी, कि लोगों के बीच ऐसे थू-थू कराने के लिए तो परमिशन नहीं दी होगी, है ना। सो प्लीज़ यार ऐसे जो भी काम करते हैं, ये जो भी अफेयर वाले लोग होते हैं, स्पेशली उनसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो इस चीज़ का, ओके। और क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है ना। तो चलो यार यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।